गाइस बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और सो गाइस मेरे हाल तो देख ही सकते हैं। आज मैं आई हूँ फेशियल कराने के लिए। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में बने रहे, कैसे कैसे हो रहे हैं आप लोग? मायरा ब्यूटी पार्लर में आई हूँ। अभी मैडम भी दिखेंगी आप लोगों के, अभी साइड में हट गई है। चलो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे है। आज मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी। चलो गाइस दूसरा स्टेप होगा तो मैं आप लोगों से दिखाते हूँ। जब तक कट के अभी तक मसाज हुआ है, आप इसको साफ करें। नहीं मैडम, वो थोड़ा सा एंड टू एंड अकाउंट में डालना है। अकाउंट में डाल रहे हैं, लेकिन अकाउंट से जो आते हैं वो टैक्स कट के आता है, पता है? वो तो फॉर्म भरने के लिए, वो तो उन्होंने डाल दिया, उन्होंने तो इनाम दे दिया। अब टैक्स तो गवर्नमेंट देगी ना, तो गवर्नमेंट काट लेती है अपना। वो वहाँ पर टिकट लेने के लिए फॉर्म भरने के लिए कितना जमा होगा? वो उसके लिए पहले आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। बता रहे हैं अगर 1-1.5 लाख में जमा हो गया हॉट सीट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे एग्जाम लिया जाता है, तो तुम्हारे चेहरे की भी गजाई हुई है, तो डेड स्किन निकल गई तो वो स्मूथ हो गई। स्किन शादी के बाद ना बिना हस्बैंड के सपोर्ट के कोई औरत कुछ नहीं कर पाती। बंद रहे तो मुझसे सब कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं इसलिए ऐसी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी बाउंड नहीं किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। गाइस हमारे दूसरा स्टेप भी हो गया, अब फिर से तीन स्टेप कर दिया आप करेंगे। ब्लीच करेंगे, फेस पैक लगाएंगे। अच्छा फेस पैक लगाएंगे। चलो गाइस मैं फाइनली लुक आप लोगों से दिखाती हूँ। ये पहली बार मैंने फेशियल करा दी हूँ। ये पीछे के दिख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा घुमाते हुए दिखाती हूँ। वाली है वो ऐसा ही लुक है इनकी दुकान के, काफी अच्छा ही है।
सो गाइस हमारे फेशियल फाइनली हो चुका है और मेरे चेहरा ज़्यादा डल हो चुका था, इसीलिए मतलब थोड़ा सा चमक आया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम हमारे फेशियल हो चुका है, हम मैं चलती हूँ अब घर के। ये फ़ोन में बात कर रहे हैं, हमारी मैडम वहाँ पे खड़ी है, वो आप कुछ तो बोलो। हेलो मैम, मेरी क्लाइंट है और काफ़ी टाइम से है, जैसे कि मैम मेरे पार्लर में आई है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पार्लर में ज़रूर आए। मायरा ब्यूटी पार्लर लाइन नंबर 6 हल्द्वानी बलबुलपुरा, और आपको ये बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन के साथ सर्विस दी जाती है और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है रिजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल होती है। थैंक यू सो मच। गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं, मैं आप लोगों के बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, ये हमारा हल्द्वानी में ही थे, मतलब पार्लर में से मैं वहाँ से चल रही हूँ घर के लिए। अभी थोड़ा सामान लेना है, फिर सामान लेंगे और हम जाएंगे यहाँ के। ये व्यू कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हैं। रात को ठेला लगा के मिठाई बेच रहे हैं। यह है मस्जिद, कितनी बड़ी बिलाली मस्जिद, बिलाली मस्जिद है बिलाली से यहाँ तक है। उनका घर यहाँ पर है। सो गाइस हम अभी अभी घर पे मैं आई हूँ, तो मैं आप लोगों से सोची कि मैं और चलती हूँ बैठ के, तो थोड़ा आप लोगों से बातचीत करते हैं, फिर एंड कर देंगे। और ये अभी मुंह में है मेरा स्किन, जो देख सकते हैं, तो काफ़ी मतलब डल हो गया था, तो एकदम चिकना सा और एकदम मुलायम मुलायम हो गया है। इसमें अभी ना मैं क्रीम ना इसमें कंडीशनर और मतलब क्या बोलते हैं वैसलिंग वोसलिंग ऐसा कुछ भी नहीं लगाई हूँ, अभी कुछ भी यूज नहीं करी हूँ। और पार्लर वाली मैम ने कही थी कि अभी कम से कम 3 दिन तक अभी मतलब पानी से खाली मुंह वॉश कर लेना और ऐसा कुछ मत लगाना, तो अभी कुछ ना लगाई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख दिया है अभी, और थोड़ा ग्लो आ गया है, और 2-3 दिन के बाद बता रही थी कि और ज़्यादा ग्लो आएगा। मैंने तो अभी कभी कराई नहीं थी, पहली बार कराई हूँ, इसीलिए आप लोग कमेंट में बताना कि हाँ 1-2 दिन के बाद ग्लो आता है कि क्या होता है। बेटी बेटी बेटी। सो गाइस हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, प्लीज़ जैसे सबको सपोर्ट करते हो वैसे हमें भी सपोर्ट करो। एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है अभी तक मेरे, जल्द से जल्द अपना सपोर्ट दिखाइए आप लोग, हम भी कामयाब हो सके, हम भी जो हमारे अरमान है जो हमारे सपने हैं पूरा हो सके। जैसे इतने लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हैं तो एक हमारे भी करिए है।